हेलो स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आप लोग मन से पूरे मन से पढ़ रहे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन पर सुपर ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जो विभिन्न कंपटीशनों जैसे जेई में या एनडीए में, सीट्स में और अदर एग्जाम्स में काम आएंगे। इसे आप ध्यानपूर्वक समझें, वीडियो को लास्ट तक देखें तो अच्छे से सारी बात समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट, ये सुपर ट्रिक्स में बताने जो जा रहा हूँ, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप 2 सेकंड के अंदर, विद इन 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो आएंगे, जेई मेंस वगैरह में और एनडीए में, सीट्स में और अदर कंपटीशन में, तो आप प्रश्न को देखते ही उसका आंसर निकाल लें। इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखें, इसको पहला क्वेश्चन है। पहला, सबसे पहले देखिए, लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan n to power nx dx, वेयर n ग्रेटर देन 1 है, देन फाइंड आउट in + in+2। ठीक है, in और in+2 की वैल्यू आपको बताना है। तो स्टूडेंट, इसका सुपर ट्रिक ध्यान दें कैसे है होगा। जैसे देखो, in और in+2 का मान पूछा जा रहा है, तो आप समझो इन दोनों टर्म के बीच में मिडिल टर्म कौन सा है जो मिसिंग है, जो इसमें नहीं दिख रहा है। n है, उसके बाद n+1 होना चाहिए, फिर आगे n+2 है, तो इसका जो मिडिल टर्म है, जो मिसिंग टर्म, मिसिंग कहें, जो बीच में छूटा हुआ है वो कहें, या मिडिल टर्म कहें, n+1 होगा। तो इसी में वही इसका सोल्यूशन होगा। ये इस टाइप के जिसमें इंटीग्रेशन tan के रूप में रहे, उसी के लिए ये ट्रिक बना हुआ है ना। सबका अलग अलग बनता है, इसलिए tan के लिए केस में रहे तो बहुत ही देखते ही प्रश्न को देखते ही आ जाएगा। तो समझिए इसका क्या होगा, इसका सोल्यूशन, इसका in+1, ये हो गया। अब ये in+1 कहाँ से कैसे बनेगा? in+1 क्या है? जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है tan to power nx है, तो n था तो n पावर लगा है, तो n+1 होगा, तो tan में भी n+1 लग जाएगा, और उसने n+1 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कितना, tan n+1x / n+1। तो स्टूडेंट, ये जो in + in+2 का सोल्यूशन हुआ, वो in+1 वो tan to the power n+1x / n+1, जितना पावर है उसी से डिवाइड हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ये सुपर ट्रिक है। अब स्टूडेंट, अगर इसको जानना चाहिए कैसे हुआ, तो इसके लिए भी आपको बताएंगे, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कैसे हुआ ये। देखिए, in = कितना है, tan to the power nx है, dx है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे ना, tan² x (tan^(n-2x)dx, इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे। अब आप जैसे जानते हो tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, sec² x - 1। ठीक है, ये लिख दिया tan को, आइए अपना जो है tan^(n-2) लिख देंगे, n-2x dx हो जाएगा इस प्रकार से। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, sec² x (tan n-2x) अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, अब dx हम लिखे चाहे ना लिखे, समझ लीजिए dx लिखा ही है, और 1 में करेंगे तो हो जाएगा tan^(n-2x) dx, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मैं निगमन भी कराए दे रहा हूँ, फिर इस प्रकार से और क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक वाले बताता चलूँगा। अब देखो स्टूडेंट, इसको हल करेंगे। अच्छा, इस बार ध्यान दीजिए, जैसा आपका प्रश्न था, ये क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या था, in = (tan nx) था, तो ये n-2 है, तो ये हो जाएगा -in-2। ठीक, और ये वाला इसको पुट करके लगाएंगे, लेट t = क्या मानेंगे, tan मान लेंगे, tan x, n-2 नहीं मानेंगे, tan x मानेंगे, तो dt/dx, इसकी बेसिक चीज़ आप लोग तो पढ़े हो, समझते हो, तो ये x के सापेक्ष डिफरेंशियल tan का क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा। ठीक, फिर इसको sec² dx क्या बन जाएगा, ये dt हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा कितना, ये dt बन जाएगा, ये आपको t माने हो तो t^(n-2x) ये dt हो जाएगा। अब माइनस ये कितना है, in-2 है, अब क्या लेके चले थे, इधर in-2 हो जाएगा, क्या लेके चले थे, in लेके चले थे, इधर प्रश्न है था। अब आप इसको इधर कर लेंगे तो कहते in + in-2 हो जाए, इधर आएगा तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना पावर उससे जुड़ता है जानते हो, तो n-1 हो जाएगा। ठीक, ये x नहीं लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि t मान लिया ना, t हो जाएगा, tan इसको t माने हैं, और उतने से डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 से डिवाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट,
तो अब आप समझिए कि ये आई एन है, ये आई एन माइनस टू है, तो इसके बीच कौन सा टर्म होगा, इसके बीच बताइए। जैसे आप संख्या नंबर लाइन में कह लीजिए, इस प्रकार से जैसे यहाँ आई एन है, ठीक, आई एन, उसके पहले क्या होगा, आई एन माइनस वन होगा, एन माइनस, उसके पहले कौन सा होगा, आई एन माइनस टू होगा। तो आई एन और आई एन माइनस टू के मिडिल में क्या होगा, आई एन माइनस वन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके मध्य वाला लेना पड़ता है, यही सुपर ट्रिक है, आई एन माइनस वन, वही। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसमें समझ लीजिए कि ये एन माइनस वन पावर है, तो समझो वही एन माइनस वन टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा टी, टी में क्या माना गया है, टी में टेन मानेंगे, टी में टेन माने हैं, तो हो जाएगा टेन टू द पावर एन माइनस वन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस वन। ये स्टूडेंट ये इसका सोलूशन हो गया। तो आप समझिए ये कब हुआ, जब आई एन हो और आई एन माइनस टू हो, तो इसका मिडिल टर्म लेते हैं तो क्या हुआ, एन माइनस वन हो जाएगा, जो मिसिंग टर्म है एन माइनस वन है, है ना, या मिडिल टर्म कह लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए जितने एन माइनस वन है तो टेन का प्रश्न है, इंटीग्रेशन का जो फंक्शन हो टेन का है, तो टेन लिखा जाएगा, और जितना यहाँ रहे वही पावर में चढ़ता जाएगा एन माइनस वन, और उतने का डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो ये निकालने का ट्रिक बता दिए, और मिडिल टर्म का ही उसको इंटीग्रेशन हो जाता है, ये आपको बता दिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला अब स्टूडेंट पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन पावर एन एक्स डी एक्स, वेयर एन ग्रेटर देन वन, मांग चलता हूँ कि एन की वैल्यू एक से ज़्यादा रहे, कम ना रहे। इफ आई फोर प्लस आई सिक्स इज इक्वल ए इंटू टेन टू पावर फाइव एक्स प्लस बी एक्स टू पावर फाइव प्लस सी, इतना है ये इस टर्म में, इस टाइप का है ये, देन फाइंड आउट ए बी, आर्डर पेयर के रूप में है ए कामा बी, ये आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बताना है इसको। अब स्टूडेंट समझिए इसको ठीक से, बहुत सरल है, दो से विद इन टू सेकंड में क्वेश्चन प्रश्न को देखते ही कर लेंगे इस पर। अब समझिए आई फोर है, आई सिक्स है, इसका मिडिल टर्म कौन होगा, आई फाइव होगा, जो इसकी मिडिल है ना, या मिसिंग कह लीजिए, चार और छः के बीच में पाँच आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है लेफ्ट का, इसका सोल्यूशन यानी कहने का मतलब आई फोर प्लस आई सिक्स जो है, ले देते हैं सॉल्व, इसको देखिए ये कितने बड़ा हो जाएगा, आई फाइव हो जाएगा, है ना। ये उसको मैं सिखा चुका इसके पहले अभी कि कैसे होता है ये बीच का पर, मैं वो इसे बताया हूँ। तो आई फाइव हो गया। अब आई फाइव क्या होता है, आई फाइव के इंटीग्रेशन में जो फंक्शन हो, फंक्शन क्या है, टेन टू एन एक्स का है, वही लिखेंगे, बस अर्थ यन के स्थान में ये पाँच लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, टेन टू पावर फाइव एक्स, और उतने का डिवाइड जो पावर हो फाइव, ये आई फाइव का मतलब हो गया। और ये किसने बराबर दिया है, इसको समझिए, ये दिया हुआ है कितना, ए टेन, ये तो गिवेन है, टेन टू पावर फाइव एक्स प्लस बी, है ना, बी एक्स टू पावर फाइव और प्लस सी हो जाएगा। अब दोनों से कंपेरिजन कर लीजिए, कंपेरिजन ठीक है, बाई कंप रीजन, तुलना करिए तो टेन टू पावर फाइव का कोफिशियंट ए है, यहाँ टेन टू पावर फाइव का कोफिशियंट वन अपान फाइव है स्टूडेंट, तो ए बराबर हो जाएगा वन अपान फाइव, ठीक है। और बी में करिए, एक्स टू पावर फाइव का कोफिशियंट बी है, यहाँ एक्स टू पावर फाइव है ही नहीं है, तो जीरो मान लेंगे, है ना, तो बी कितना हो जाएगा, जीरो, बस हो गया। अब सी पूछा ही नहीं जा रहा है, केवल ए बी पूछ रहा है, इसलिए स्टूडेंट ए कॉमा बी जो है ऑर्डर पेयर में है, तो वन अपान फाइव कॉमा जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से सोल्यूशन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल दो सेकंड में आपके हल हो जाएगा, इसको फेयर बना के समझ लें, विभिन्न कंपटीशनों में हर जगह आप काम आएगा, यूपी बोर्ड में आप भी क्वेश्चन आता है, तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेंदी में कहना पड़ेगा आपको, तब चार नंबर छः नंबर पाएंगे, तो आप लेंदी का मैं तरीका बता दूँ कैसे निगमन होता है इसको, टेन एन माइनस एन को टेन स्क्वायर में इंटू टेन टू पावर एन माइनस टू एक्स में तोड़ते हैं फिर टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस वन में तोड़ते हैं, वो आपको बता दिया, उसे भी कर लीजिएगा, और कंपटीशन में आप देखते ही तुरंत कर लेंगे, है ना, विद इन टू सेकंड में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर टेन टू पावर एन एक्स डी एक्स, देन आपको बताना कहे का है, देन आई टेन
प्लस आई एट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आई टेन और आई एट की मिडिल टर्म जो हो गया क्या वो आई नाइन होगा, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सीधे आई नाइन, आई नाइन कह दीजिए। ठीक है, आई नाइन और आई मतलब इंटीग्रेशन, नाइन माने एन में नौ का नाइन काम करेगा। अब फलन कौन सा लिखेंगे जो इंटीग्रेशन फंक्शन हो, क्या टेन है, तो यह हो जाएगा टेन टू पावर नाइन एक्स डिवाइड बाई नाइन। ठीक, ये लिख दिए। अब स्टूडेंट अभी तक क्या था, अनडिफिनिट था, माने डिफाइंड नहीं था, वो लिमिट नहीं थी अपर लोअर की। इस बार डिफिनिट इंटीग्रेशन दे दिया, चाहे डिफिनिट का हो चाहे इनडिफिनिट का हो, दोनों में वही चलेगा फार्मूला जो ट्रिक है। तो ये जीरो से पाई बाई फोर की लिमिट है, वही लिमिट लगा देंगे, बस इतने करना है, जीरो से पाई बाई फोर की आप लिमिट लगा दीजिए। तो रखिए, तो नाइन तो बाहर कर ली, से कोई लेने देने नहीं, बाहर हो जाएगा। ये पाई बाई फोर एक्स में रखते हैं ना, तो टेन टू पावर नाइन इंटू पाई बाई फोर माइनस टेन, जीरो हो जाएगा नाइन, यहाँ जीरो रख देंगे जीरो पूरा हो जाएगा। इसका मतलब वन अपॉन नाइन, अब इसको समझ, टेन पाई बाई फोर का मान कितना होता है, एक होता है, पैंतालीस का मान एक होता है टेन में, और नाइन नौ बार चढ़ते एक ही हो जाएगा वन, और टेन जीरो मान जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा, कुल टोटल कितना हो जाएगा वन अपॉन नाइन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए तुरंत हो गया ना, आई टेन प्लस आई एट कि मिडिल टर्म आई नाइन हो जाएगा। ठीक, अब फिर टेन, टेन का केस है तो टेन में लिखेंगे, एन के स्थान में नौ लिखेंगे, तो ये नौ लिख दिए, उतने भाग कर दिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट चढ़ा दिया, अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, ये आप जानते ही हैं। इस प्रकार से हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ आई एन इज इक्वल टू, इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर, जीरो टू पाई बाई फोर टेन एन एक्स डी एक्स, देन लिमिट एन टेंस टू जीरो इन्फिनिटी है, एन इंटू आई एन प्लस आई एन प्लस टू, इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है, लिमिट में दे दिया गया है इस बार। इसको समझिए स्टूडेंट, पहले आप इसको देखिए, इसको देखिए, आई एन प्लस टू, इसके जो बीच की टर्म होगा कौन सा होगा, एन प्लस वन होगा, जो मिसिंग टर्म है, एन है आई एन प्लस टू है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आई एन प्लस वन। इसका सबसे पहले इसको करेंगे, आई एन प्लस टू, ये कितना हो जाएगा, आई एन भी लगा दीजिए, चलिए एन इतना लिख, चलिए लिमिट बाद में लगाइएगा, तो यह इसका क्या हो जाएगा, एन ये तो एन बाहर रहेगा, कोफिशियंट बाहर रहे, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब इंटीग्रेशन वाले टर्म से, तो कितना हो जाएगा आई एन प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, ये इतना हो गया है ना, क्योंकि सुपर ट्रिक है करना हमको, तो तुरंत आंसर चार विकल्प दिए हैं, कौन सा ये तुरंत दो मिनट दो सेकंड के अंदर करना दिखाना है, इसलिए मैं इस सब ट्रिक बनाया हुआ हूँ। इसको आप गौर समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हर वीडियो हमारे इस प्रकार से रहेंगे, आपको मैं सुपर ट्रिक के नाम से सब बनाऊँगा और हर टॉपिक पर इस प्रकार से धीरे धीरे बताता चलूँगा। तो ये हो गया एन और आई एन प्लस वन। ठीक है, अब इसमें लिमिट लगाना है, इसका मतलब ही कहना है, इसका मतलब भी क्या हो तो वो भी करते जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। अभी लिमिट लगा दीजिएगा, तो इसी में मैं लिमिट लगा दूं, अब ध्यान दें, अब अगले लाइन में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक एन लिख दिया, और आई एन प्लस वन क्या होगा इसको समझिए, जो फंक्शन हो इंटीग्रेशन का टेन का है तो टेन लिखेंगे, पावर एन प्लस वन लगेगा, चूँकि एन था तो एन लगा, या एन प्लस वन तो एन प्लस वन हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये होता है जितना पावर उतना डिवाइड, यहाँ डिफिनिट इंटीग्रेशन है, लोअर अपर लिमिट लिखी हुई है तो लिमिट लिख देंगे, तो जीरो से पाई बाई फोर, बस इतना काम करना है। इसको हल करें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट, अच्छा ये तो कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, एन है ये बाहर, आई एन प्लस वन भी बाहर हो जाएगा, तो ये अपर लिमिट कितना हो जाएगा, टेन एन प्लस वन, और एक्स में कितना लिख देंगे, पाई बाई फोर माइनस, फिर जीरो लोअर लिमिट लिखेंगे, टेन टू पावर एन प्लस वन इंटू जीरो ही हो जाएगा। अब इसका इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एन अपॉन एन प्लस वन, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है वन, और वन में चाहे जितना पावर हो वन ही होगा, और टेन जीरो का वैल्यू जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा, तो टोटल कितना हो, ये लिमिट यानी लिखता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपान
ये एन प्लस वन हुआ। ठीक स्टूडेंट, अब आप समझिए एन इन्फिनिटी की लिमिट है, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं रखेंगे, अगर डायरेक्ट रख दें तो अपरिभाषित हो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब इन्फिनिटी लिमिट हो स्टूडेंट, तो एन को डिवाइड में लाया जाता है, क्योंकि नीचे रहेगा एन तो उसकी इन्फिनिटी नीचे रहेगी तो वो जीरो बना देगा, जैसे वन अपॉन इन्फिनिटी का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो कैसे ये एन नीचे आवे, तो नीचे लिए न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम एन से डिवाइड करेंगे देन इम्प्लाइज लिमिट, चलिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एन से डिवाइड करूँ वन हो जाएगा, नीचे डिवाइड करूँ ये वन हो जाएगा, ये वन अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, अब एन में इन्फिनिटी रख देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो कुल कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसको बोलिए वन, कितना हो जाएगा एन, तो ये इसका स्टूडेंट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये तो वन आंसर आ गया, आप साथ ध्यान रखिए इसको ठीक से समझिए, ये इस प्रकार से। तो कहने का मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एन दिया हुआ है जीरो टू पाई बाई फोर टेन एन एक्स डी एक्स, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन आई एन प्लस आई एन प्लस टू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए एन इंटू इसको लेके चल रहा हूँ आई एन प्लस आई एन प्लस टू, इसके मिडिल टर्म क्या होगा आई एन प्लस वन होगा, वो लिख दिया। अब आई एन प्लस वन क्या होगा, जो इंटीग्रेशन में फंक्शन हो टेन है तो टेन लिखेंगे, पावर एन प्लस वन तो एन प्लस वन लग जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाता है। और लोअर अपर लिमिट लगा देते हैं, अब जैसे लिमिट लगाते हैं पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट वही लगा लिख देते हैं, उसकी वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा। ये जो आया जानते इन्फिनिटी है तो एन नीचे लाना पड़ता है, तो एन से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, इस पर एन इन्फिनिटी तो जीरो बन जाएगा, ये तो वन अपॉन वन मतलब वन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये तीसरे नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आप लोग फोर देखिए, लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर टेन टू पावर एन एक्स डी एक्स, ये सब इंटीग्रेशन टेन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा ना, देन फाइंड डी फॉर फाइंड डी फॉर दिस प्रोग्रेशन, फॉर दिस प्रोग्रेशन, अब फॉर दिस प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में एक श्रेणी, और श्रेणी है क्या, वो लिखी जा रही है वन अपान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझ लीजिए, ये जेई मेंस में आ चुका है, आई टू प्लस आई फोर कामा है वन अपान आई टू प्लस आई फोर है, फिर आई थ्री प्लस आई फाइव, ये फिर है वन अपान आई फोर प्लस आई सिक्स, फिर वन अपान आई फाइव प्लस आई सेवन, ये है स्टूडेंट, ये सीरीज है, सीरीज टाइप का है ये प्रोग्रेशन, इसका डी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहले हम प्रूव करेंगे कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, कि जीपी का है कि एचपी का है, पहले निकल देखेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले ध्यान दें, जो ये लिखा हुआ है वन अपान आई टू प्लस, ये तो समझ में आ रहा है कि आई में इंटीग्रेशन हुआ, ये दिया ही है आई एन बराबर जीरो टू पाई बाई फोर टेन एन एक्स डी एक्स। तो अब इसको इसको मैं ट्रिक बता चुका, सुपर ट्रिक, टू है फोर है तो इसके मिडिल वाला लेंगे इंटीग्रेशन होगा, तो कितना हो जाएगा इसका वन अपान आई थ्री, ठीक है, चूंकि वन अपान है तो वन अपान लिख दूंगा, और टू और फोर के बीच कौन होगा, मिसिंग टर्म कौन सा है, आई थ्री है, ठीक इस बार फिर ये थ्री और फाइव के बीच में आई फोर हो जाएगा, फिर वन अपान फोर और सिक्स के बीच में आई फाइव हो जाएगा, ठीक है, फिर फाइव और सेवन में आई सिक्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये सुपर ट्रिक के माध्यम से ये बना दिया गया इंटीग्रेशन। अब सुनिए आई थ्री क्या है, आई तो समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन है, और थ्री मतलब जो उस इंटीग्रेशन में जो फंक्शन हो, जो अभी पिछले बता चुका, अभी बताया हूँ ना इसको, तो यहाँ पर वही हो जाएगा टेन है, अब पावर जो है थ्री है तो थ्री लिखता जाएगा एन के स्थान में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए इसको, वन अपान वन तो करते जाइए, वन अपान लिखा तो आई थ्री मतलब बोलिए टेन टू पावर थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री, ठीक है, और लिमिट कहाँ से चलेगी जीरो से लेके पाई बाई फोर ऐसा, ठीक है, फिर देखिए वन अपान आई फोर है तो क्या हो जाएगा बोलिए टेन टू पावर फोर हो जाएगा, ठीक, और डिवाइड बाई फोर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक
जीरो से पाई बाई फोर। फिर देखिए वन अपान फोर तो बाहर कर सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया इसमें फाइव है तो टेन टू पावर फाइव एक्स डिवाइड बाई फाइव लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर। फिर वन ऑफ सिक्स का आई सिक्स का वन अपान टेन टू पावर सिक्स एक्स डिवाइड बाई सिक्स लिमिट जीरो से पाई बाई फोर। ठीक है स्टूडेंट, ये जाके टर्म इस प्रकार से बन गए। अब इनको हल कर लिया जाए, सॉल्व करें तो वन अपान ध्यान दें पहले अपर लिमिट एक्स में रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट जीरो लिखेंगे। अब ये थ्री से कोई लेने देने नहीं तो थ्री तो बाहर कर दीजिए। तो जब ये एक्स में पाई बाई फोर रखेंगे स्टूडेंट तो टेन पैंतालीस का मान कितना होता है, टेन पैंतालीस का मान बताइए। टेन पैंतालीस का मान तो वन होता है ना, और वन के तीन पावर लगा है तो क्या हो, वन ही हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस जीरो हो जाएगा इस प्रकार से वन अपान ये वन अपान फोर बाहर कर देंगे, पैंतालीस रखेंगे एक होगा, एक का घात पर एक हो जाएगा और माइनस जीरो से करते जाएंगे। फिर वन अपान ये फाइव है, ये ध्यान दीजिएगा ये वन अपान स्टूडेंट ध्यान दीजिए वन अपान, इसलिए वन अपान डिवाइड पर डिवाइड है ना, ये वन अपान होगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा वन माइनस जीरो। फिर ये कितना होगा वन वन अपान सिक्स तो वन माइनस जीरो हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया, ये तीन ऊपर चला जाएगा ना तो थ्री हो जाएगा। ठीक है, वन से गुणा कराएंगे उतने हो जाएगा, बटे पर बटे है डिवाइड है फिर डिवाइड हो गया तो ऊपर चला जाएगा थ्री हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। इस पर स्टूडेंट किस श्रेणी में हो गया, ये ए पी में हो गया। देखो थ्री फोर फाइव सिक्स वन वन का डिफरेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा वन, फोर में थ्री गए वन, फाइव में फोर गए वन, सिक्स में फाइव गए वन, वन बना रहा है यही आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया आपका, याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन से देखिए अभी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन देख करके डी पूछ ले, कॉमन डिफरेंस माने सीरीज में भी उसको जोड़ दिया गया है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन जेई मेंस के आते हैं और एनडीए में भी आ सकता है इस प्रकार क्वेश्चन। तो उस मॉडल के मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताया चल रहा हूँ मेरा, आप लोग क्वेश्चन ठीक से देखेंगे, वीडियो को लास्ट से देखेंगे तो इससे बहुत लाभान्वित होंगे स्टूडेंट। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ आई एन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर टेन टू पावर एन एक्स डी एक्स देन सेवन टाइम्स ऑफ आई सिक्स प्लस आई एट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ आप लोगों को होमवर्क में दे दूँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे इस प्रकार और क्वेश्चन जितने हों आप लोग कर लीजिएगा। ये दिया हुआ है सेवन टाइम्स ऑफ आई सिक्स प्लस आई एट पूछा जा रहा है, तो देखिए उसी प्रकार के भी है आई सिक्स प्लस आई एट बाई सुपर ट्रिक ऑन इंटीग्रेशन विद इन टू सेकेंड्स, दो सेकंड में क्वेश्चन नहीं, बोलिए कितना होगा। सिक्स और एट के बीच मिसिंग क्या है, सेवन है, अब टाइम्स ऑफ सेवन यहाँ लिखा भी है ले दीजिए, इसका मान कितना हो जाएगा सेवन टाइम्स ऑफ आई सेवन। ठीक, इस तरह हो जाएगा। और अब आई सेवन बताइए, इस सेवन तो लिख देंगे, आई सेवन मान इंटीग्रेशन एन के स्थान में साथ रख देंगे, फंक्शन जो यहाँ इंटीग्रेशन में लिखा हुआ लिख देंगे, तो फंक्शन क्या है टेन का है तो टेन लिख देंगे, एन के स्थान में साथ लिख देंगे, ये लिख दिया। ठीक है, डिवाइड बाई सेवन, सेवन बाहर कर दीजिए ये सेवन, और लिमिट लगा दीजिए कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके पाई बाई फोर तक। ठीक है, साथ साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स में टेन पाई बाई फोर लिखेंगे तो टेन पैंतालीस में एक होता है, एक में घात सात सात पावर सेवन रहेगा तो एक ही आ जाएगा, और फिर टेन एक्स में जीरो रखेंगे तो जब टेन जीरो का मान जीरो होता है तो वन माइनस जीरो, तो कुल मिला कितना आ गया वन आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन आपको जो मैं सिखा रहा हूँ ये आपके ठीक से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब आप लोगों से यही बार बार मेरा कहना है, मैं बार बार जरूर कह देता हूँ इस बात को कि आप रिवीजन जरूर करें, इसका फेयर बना के वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई प्रॉब्लम हो जरूर पूछें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी करें। ठीक है, तभी आप उनको भी लाभान्वित करेंगे तो आपको डबल फायदा होगा, वो भी उनको भी ज्ञान मिल जाएगा और आपस में डिस्कशन कर लेंगे, और जहाँ कोई प्रॉब्लम वो हमसे पूछें। ठीक है, और स्टूडेंट आपसे यही कहना है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करने से आपको तरह तरह नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अच्छे से आता रहेगा,
जो पढ़ाने वाले टीचर का भी मनोबल अधिक बढ़ेगा कि बच्चे हमारे जो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छा इनको लग रहा है, वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग करें, हम आपको तरह तरह के नए नए वीडियो आपको अच्छे अच्छे सुपर ट्रिक के माध्यम से हम बताते चलेंगे, इसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट मित्रों। नेक्स्ट अगले वीडियो आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।